क्या आपने अभी तक के सबसे ज्यादा कैमरे वाले फोन को देखा है? और क्या होगा अगर उड़ती हुई एरोप्लेन में एक मगरमच्छ आ जाए? और एक ऐसा फ्रिज भी है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चलता है। और क्या आपको पता है कि आखिर 1 किलोमीटर रोड बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? अगर आपको ये सारे फैक्ट्स नहीं पता है तो ऐसे ही गजब के इंटरेस्टिंग और क्रिप्टिकल फैक्ट्स से भरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 22, आप सभी ये बात तो जानते हैं कि आज से बहुत साल पहले इस धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गए हैं। और इसका रीजन उल्कापिंड को बताया जाता है, मतलब कि एक मेट्रॉइड स्पेस से आकर हमारी धरती से टकरा गया था, जिसके धमाके की वजह से डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जो उल्कापिंड गिरा था आखिर वो धरती की कौन सी जगह पर गिरा था? अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो अब आप इस इमेज को देखो। ये जो एक बड़ा सा गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है, ये उसी उल्कापिंड से बना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गड्ढे की लंबाई 150 किलोमीटर है और ये गड्ढा 20 किलोमीटर गहरा है। ये गड्ढा चिक्सुलुप क्रेटर नाम की जगह पर है। नंबर 21, जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमें बाहर आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, और पानी से बचने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, रेनकोट का। इस रेनकोट को पहनने के बाद हम आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं और हमारे कपड़े भी सूखे रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन अम्ब्रेला होता है, जिससे कि हम कुछ इस तरह से अपने आप को बचा कर आते जाते हैं। और इस अम्ब्रेला में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट अम्ब्रेला का हैंडल होता है, जिसे हम पकड़े रहते हैं, और सेकेंड पार्ट अम्ब्रेला की कैप होती है जो कि हमें पानी से बचाती है। लेकिन जरा अब इस अम्ब्रेला को देखो, इस अम्ब्रेला में सेकेंड पार्ट है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक हैंडल होता है जिसे ऑन करने पर इसके टॉप में इतनी तेज से हवा निकलती है कि पानी की बूंदें दूर हो जाती हैं। वैसे इस अम्ब्रेला के लॉन्च होने में भी कुछ वक्त लगेगा। नंबर 20, जो लोग ताश खेलने के दीवाने होते हैं उन्हें कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है कि जब वह ताश खेल रहे होते हैं तो उनके बगल में बैठा प्लेयर उसके ताश के नंबर को देख लेता है, मतलब कि चीटिंग करता है। और इसी चीटिंग से बचने के लिए एक खास तरह का कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड का नाम मैट ब्लैक कार्ड है। इसमें होता यह है कि जब इस कार्ड को आप सामने से देखोगे तभी इसके नंबर आपको दिखेंगे, लेकिन जैसे ही इस कार्ड को हल्का सा तिरछा करके देखते हैं, मतलब कि साइड से देखते हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैक दिखता है, जिससे कि बगल वाले प्लेयर कभी भी चीटिंग नहीं कर पाते। वैसे क्या आपको भी ताश खेलना पसंद है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 19, जंगल में जो मांसाहारी जीव रहते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर और भी बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन एनिमल रहते हैं, और ये जानवर ज्यादातर हिरण को ही अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर हिरण ही इनके शिकार क्यों हो जाते हैं? तो वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि जो हिरण होते हैं उन्हें जंगल का नजारा कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कि हमारी आंखों से जो टाइगर इस तरह से दिखता है, हिरण की आंखों से वह कुछ ऐसा दिखने लगता है, जिससे कि हिरण इन्हें अच्छे से देख नहीं पाते हैं और उनके शिकार हो जाते हैं। नंबर 18, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस रोड की मदद से हम आसानी से किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं उसे बनाने में कितना खर्च आता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑन एवरेज एक रोड बनाने में जिन चीजों का यूज किया जाता है उन सभी चीजों को मिलाकर सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बनाने में 8 से 9 करोड़ रुपए का खर्च आता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सरकार के 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? तो कमेंट्स करके जरूर बताना। और इसी तरह के और फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नंबर 17, आपने भी एक बात नोटिस किया होगा कि जो रैप सॉन्ग वाले सिंगर होते हैं वो काफी कूल टाइप के होते हैं, मतलब कि उनके हेयर स्टाइल वगैरह काफी अलग होते हैं। हमारे इंडिया में भी और विदेशों में भी जितने रैप सिंगर होते हैं उन सभी का एक डिफरेंट हेयर स्टाइल होता है। लेकिन जरा अब आप इस रैप सिंगर से मिलिए, इनका नाम डैन सूर है, और इनके बालों को देखो, इन्होंने अपने नेचुरल हेयर को स्किन से हटवा दिया और सर्जरी की मदद से बालों में कुछ इस तरह से गोल्ड चेन को फिट करवा दिया, और उसके बाद ये अपने इस हेयर स्टाइल से काफी ज्यादा खुश रहते हैं। दोस्तों, आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 16, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ जगहों पर बर्फ गिरने लगती है, और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब बर्फ ज्यादा गिरती है तो इंसान के घुटने भी बर्फ में धस जाते हैं। लेकिन नॉर्थ डकोटा में 1966 में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। वो बर्फ इतनी ज्यादा गिरी थी कि अब आप इस इमेज को देखो, बर्फ इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि बिजली के खंभे भी ऑलमोस्ट बर्फ से ढक गए हैं, और ऐसा कुछ ही जगहों पर हुआ था, और इस स्नोफॉल को आज तक का सबसे बड़ा स्नोफॉल माना जाता है। नंबर 15, L410 नाम का एक प्राइवेट जेट 25 अगस्त 2010 को उड़ान भरा। उस प्लेन में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को मिलाकर 21 लोग थे, और उस पैसेंजर्स में एक आदमी अपने साथ मगरमच्छ को बैग में छुपाकर प्लेन में बैठा हुआ था। और जब प्लेन काफी ऊंचाई पर उड़ने लगा तब उसका मगरमच्छ बैग से निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखने के बाद सारे पैसेंजर्स घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। मगरमच्छ के डर की वजह से सारे पैसेंजर्स प्लेन के एक तरफ छिपकर खड़े हो गए, जिससे कि प्लेन अनबैलेंस हो गया और एक तरफ से झुक गया। अनबैलेंस होने की वजह से वो प्लेन क्रैश भी हो गया, और इस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक आदमी और वो मगरमच्छ बचा। नंबर 14, हम सभी जब छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हमें पेंसिल से लिखना पड़ता था, और जब पेंसिल से लिखने पर हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हम उसे इरेजर से मिटाते थे, और वो इरेजर कुछ ऐसे दिखते थे। लेकिन जरा अब इस इरेजर को देखो, ये ट्रांसपेरेंट इरेजर है, और इस इरेजर को इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो कलरफुल इरेजर होते हैं उनसे जब हम कुछ मिटालते थे तो हमें ये पता नहीं चलता था कि हम क्या मिटा रहे हैं, लेकिन इस ट्रांसपेरेंट इरेजर से जो भी मिटाना होता है वो सब साफ दिखता रहता है। क्या आपने कभी इसे यूज किया है? तो कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 13, ज्यादातर स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर चौक का यूज करते हैं, और चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, और ये जो चौक होते हैं अगर हम इसे पीस कर पाउडर बना दें और इसके पाउडर को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल गोल गोल जैसा, और इन गोलों के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर जैसे दिखाई देते हैं। ये चौक का ही माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोपिक इमेज है और ये सबसे यूनिक माइक्रोस्कोपिक इमेज में से एक है। नंबर 12, हमारे आसपास जो मेंढक पाए जाते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं और कुछ मेंढक काफी अलग भी दिखाई देते हैं। जंगलों में बहुत ही तरह के मेंढक पाए जाते हैं, लेकिन जरा अब आप इस मेंढक को देखो। इस मेंढक की खास बात ये है कि इस मेंढक के सिर पर सींग निकली हुई है और इस मेंढक का नाम सुरिनाम हॉर्न फ्रॉग है और ये दुनिया का अकेला ऐसा मेंढक है जिसकी सींग निकली हुई है। ये मेंढक काफी फुर्तीला और शिकारी प्रवृत्ति का होता है। मेंढक की ये प्रजाति ब्राजील और अर्जेंटीना के एरिया में पाई जाती है। नंबर 11, आपने नदी को तो देखा ही होगा, नॉर्मल नदी कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी नदी देखी है जिसका पानी ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि लाल रंग का होता है? दरअसल इस नदी का नाम रियो टिंटो नदी है और ये नदी स्पेन में है। इस नदी में एक भी मछलियां नहीं है। इस नदी में कुछ ही सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि जिंदा है। और इस नदी का पानी लाल रंग का क्यों है ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो उन्हें ये बात पता चली कि इस नदी में बहुत ही ज्यादा एसिड की मात्रा मौजूद है। इस नदी के पानी में आयरन का लेवल काफी हाई है जो इसे लाल रंग देता है। और जब आप इस नदी को रियल लाइफ में देखोगे तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसी भी कोई नदी हो सकती है। नंबर 10, आपने पोर्क्यूपाइन एनिमल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हम शाही भी बोलते हैं। इस जानवर का सेल्फ डिफेंस सिस्टम बाकी जानवर से काफी अलग और दर्दनाक होता है, क्योंकि इनकी बॉडी में लंबे और काफी मजबूत कांटे लगे होते हैं और जब कोई सांप इन पर हमला करता है तो ये उन पर अपने कांटों से हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस जानवर को अपने कांटों पर इतना भरोसा होता है कि ये शेर चीते जैसे जानवर से भी नहीं डरते, क्योंकि ये चीते और शेर जैसे जानवरों को भी अपने कांटों से घायल कर देते हैं। और अपनी इसी खतरनाक टेक्निक की वजह से ये जानवर बाकी जानवरों से काफी अलग है। नंबर 9, दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब कोई इंसान सो रहा होता है तो उस वक्त पर इंसान का हार्ट बीट और सांसें चलती रहती हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी इंसान के सोने के बाद उसकी हार्ट बीट रुक जाए? दरअसल इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी पाई जाती है जिसमें कि इंसान के सोने के बाद उसके दिल की धड़कन और उसकी सांसें रुक जाती हैं। और अगर उस वक्त पर उस इंसान को न उठाया गया तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। और इस अजीब बीमारी का नाम CCHS है और जिसका कि अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। नंबर 8, अब जरा इस स्कैन को देखो जो देखने में काफी सुंदर और स्टाइलिश दिख रहा है। इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इस स्कैन को किसी मशीन के जरिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कैन को किसी मशीन से नहीं बल्कि एक आदमी ने अपने हाथों से बनाया है। इस आदमी का नाम नो डिलेड्डा है और ये अपने हाथों से एल्यूमिनियम के कैन को कुछ इस तरह से पिचका कर एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेते हैं और इनकी इसी कला के लिए इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। नंबर 7, दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में फ्रिज तो जरूर होगा, आपने भी एक से बढ़कर एक फ्रिज को देखा होगा और आप ये बात भी जानते हैं कि इन फ्रिज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा फ्रिज भी होता है जिसे चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस फ्रिज का नाम अंडरग्राउंड फ्रिज है। ये फ्रिज कुछ इस तरह की दिखती है और इन्हें जमीन में गड्ढा खोद कर फिट कर दिया जाता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक अंदर से बिल्कुल ठंडी रहती है, जिससे कि इसमें रखे हुए सामान कई दिनों तक खराब होने से बच जाते हैं। नंबर 6, सुशांत सिंह की मूवी महेंद्र सिंह धोनी को तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसमें साक्षी के रोल को कियारा आडवाणी ने किया था, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जब इस मूवी में MS धोनी और साक्षी के वेडिंग वाला पार्ट शूट हो रहा था तब कियारा आडवाणी ने जो वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था वो सच में साक्षी का रियल वेडिंग ड्रेस था, जिसे साक्षी ने खुद कियारा आडवाणी को पहनने के लिए दिया था। क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था तो कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 5, अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। ये रेगिस्तान 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर इस सहारा रेगिस्तान के सिर्फ 1.2% एरिया को सोलर पैनल से भर दिया जाए तो इससे पूरे वर्ल्ड में साल भर एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर साइंटिस्ट ऐसा क्यों नहीं करते? तो इसका रीजन ये है कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा, क्योंकि सोलर पैनल के अलावा पूरे वर्ल्ड में एनर्जी को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे पोल्स और वायर लगाने पड़ेंगे और रेगिस्तान में इन्हें लगाने के लिए ज्यादा खर्च आएगा। इसलिए अभी साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो भी सकता है। नंबर 4, अब जरा इस आदमी को देखो, नहीं नहीं बल्कि इसके शर्ट को देखो। इस आदमी की शर्ट 4 किलोग्राम की है और इस शर्ट की कीमत 1-2 लाख नहीं बल्कि 1.3 करोड़ रुपए है। और इस शर्ट को इन्होंने अपने 45वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पहना था और ये शर्ट अभी तक का सबसे महंगा शर्ट है, क्योंकि इस शर्ट को 24 कैरेट गोल्ड का यूज करके बनाया गया है। नंबर 3, ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है उसे तो आप सभी ने देखा ही होगा और वो कुछ ऐसा दिखता है ना। लेकिन क्या आपने कभी किसी गोरिल्ला के स्केलेटन को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखो, ये एक गोरिल्ले का स्केलेटन है और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन जैसा ही दिखेगा। गोरिल्ला के स्केलेटन में हाथ कुछ ज्यादा ही लंबे और सीना थोड़ा सा चौड़ा है और सर भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंसान के स्केलेटन जैसा ही है। नंबर 2, क्या आपने इस दुनिया के सबसे ज्यादा कैमरे वाले फोन को देखा है? आजकल आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जितने भी फोन आ रहे हैं उनमें 1-2 नहीं बल्कि 4-5 कैमरे भी होते हैं और कैमरों का क्रेज भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा फोन भी है जिसमें 2-3 कैमरे नहीं बल्कि 16 कैमरे हैं। हाँ सही सुना, दरअसल इस फोन का नाम लाइट L16 है और इस फोन को देखो, इस फोन में किस तरह से 16 कैमरे को फिट किया गया है और ये सारे कैमरे असली हैं। और इस फोन की कीमत 1,30,000 रुपए के आसपास थी, लेकिन इतनी कीमत होने के बाद भी इस फोन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये फ्लॉप हो गया और इस कंपनी ने अब फोन बनाना भी छोड़ दिया। दोस्तों क्या आपने इस फोन को पहले कभी देखा था तो कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 1, अभी आप जिस आदमी को देख रहे हो इस आदमी का नाम ल्यूक एकिंस है। इन्होंने एक काफी गजब का इतिहास रचा है, क्योंकि ये 25
25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हुई एरोप्लेन से जंप लगा दिए थे, वो भी बिना पैराशूट लिए, और इन्होंने जमीन पर नेट लगा दिया था। और उनका ये हिम्मत रखना कि वो उस नेट पर ही गिरेंगे, ये सबसे अजीब बात थी। और जब वो उस चलती हुई प्लेन से जंप लगाए तो वो सच में उसी नेट पर जाकर गिरे, और एक छोटी सी चूक भी उनकी जान ले सकती थी, पर वो बच गए।